हाय, मैं हूं आरजे आयुष फ्रॉम रेडियो रामा 90.8 एफएम से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्पोर्ट फेस्ट का तो आगाज होने ही वाला है 14 को, और साथ ही साथ वसंतोत्सव का भी आगाज होने वाला है जिसमें कल्चरल इवेंट्स होने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव अनुज सर, जो कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से और कोऑर्डिनेटर भी हैं कल्चरल के। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ खास होने वाला है 14 तारीख को कल्चरल इवेंट में। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रामा पर आपका। और सर, ये बताइए कि कल्चरल में कितने परफॉर्मेंस होने वाले हैं, जो कि जैसे कि डांस हो गया मैंने सुना है, तो उसके साथ कौन कौन से परफॉर्मेंस होंगे? देखिए, डांसिंग के साथ में सोलो सिंगिंग, डुएट सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिकल स्किट, इस तरह से बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। और हम यहाँ पर टोटल 60 परफॉर्मेंसेस करने जा रहे हैं। ओके। और ये एक ही दिन होंगे, 14th को। तो बसंत पंचमी का महोत्सव हम इस तरह से मनाने वाले हैं, जिसका नाम रखा गया है अफ्यूजन फिएस्टा 2K24। ओके, तो सर किस तरह का बच्चों में उत्साह है, क्या उमंग दिखाई दे रही है, आप कुछ बताइए। बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, और कुछ परफॉर्मेंसेस हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत भर भर के लोगों ने रजिस्टर किया है और लोग इसमें खुल के परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इसका थीम रखा हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया। तो इस इनक्रेडिबल इंडिया के तहत हम लोग इसके शॉर्टलिस्ट करते जा रहे हैं इवेंट्स को, और इसके बाद हम लोग इसको फाइनल कंपटीशन में उतारेंगे, जिसमें बाहर से हमारे जजेस आ रहे हैं जो कि इसको रिजल्ट इसका अनाउंस करेंगे। तो सर, जैसा कि अभी अगर कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं? जो बच्चे डिपार्टमेंट वाइज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट में फैकल्टी कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। लिंक ग्रुप में शेयर किए गए हैं सभी, वो लिंक पर जाकर के रजिस्टर करें, लिंक ओपन है, और कोशिश करें कि आज ही रजिस्टर कर दें। तो बिल्कुल समय कम बचा है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो जल्दी से रजिस्टर करिए जैसा कि सर ने बताया, और सुनते रहिए तब तक रेडियो रामा 90.8 FM मेरे यानी आरजे आयुष के साथ।